हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मौलिक लर्निंग में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप टॉपिक में स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप होता क्या है। देखिए, पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है वो है सिक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होती है, या कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स कह सकते हैं, जो कि सिंगल क्वेट से स्टार्ट होके सिंगल क्वेट से क्लोज होगी, या डबल क्वेट से स्टार्ट होके डबल क्वेट से क्लोज होगी। और दूसरा चीज़ क्या होता है, जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, इम्यूटेबल इन नेचर की होती है। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि हम उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग बनाने के बाद उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे नेम इक्वल टू डबल क्वेट में राम लिखा हुआ है, एड्रेस सिंगल क्वेट में डेली लिखा हुआ है। तो प्रिंट टाइप फंक्शंस के थ्रू, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, उससे हम इनका क्लास चेक करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास आपको मिल रही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है दो टाइप की होती है, एक सिंगल लाइन होती है और दूसरी मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है। तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग तो आपने एग्जाम्पल में देखी है, जैसे नाम नेम अजय ले लिया हमने, एड्रेस हल्द्वानी ले लिया। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए आप या तो ट्रिपल डबल क्वेट्स ओपन लिखेंगे और एंड करेंगे ट्रिपल डबल क्वोट्स से क्लोज करेंगे, या ट्रिपल सिंगल क्वेट से ओपन करेंगे और ट्रिपल सिंगल क्वेट से क्लोज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एड्रेस फेज वन नियर एक्स वाई जेड हल्द्वानी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद देखते हैं स्ट्रिंग के अंदर ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन है कॉन्केटिनेशन, मतलब दो स्ट्रिंग को कैसे हम जोड़ेंगे। तो इसके लिए प्लस ऑपरेटर यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्क्रिप्ट में फर्स्ट नेम सुप्रभात है, लास्ट नेम जोशी हो गया, तो हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस से दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे फुल नेम हमारे पास सुप्रभात जोशी आ गया। इसके बाद दूसरा फंक्शन होता है रिपीटेशन, इसके लिए हम एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। तो एस्ट्रिक ऑपरेटर, जैसे नेम इक्वल टू सुप्रभात है, हम कितने टाइम इसको रिपीट करना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दिया, फोर एन टाइम हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट करने पर थ्री टाइम जैसे आउटपुट दे रहा है, वैसे ही आप एन नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि इस स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालना। तो कैसे करते हैं इसके लिए, इसके लिए क्या होता है कि हमने जैसे स्ट्रिंग दी है उसमें स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। तो क्या करते हैं हम, जो भी स्ट्रिंग हमने बनाई उसके को उसके स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट इंडेक्स देंगे, कोलन करके एंड इंडेक्स देंगे। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स वन है, क्लोज इंडेक्स फोर है। तो यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्टिंग इंडेक्स तो सब स्ट्रिंग में आएगा और जो एंड इंडेक्स है वो एक्सक्लूड होगा, वो इंडेक्स क्या होगा, सब स्ट्रिंग में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसे नेम सुप्रभात में नेम वन कोलन फोर किया, तो यहाँ पर यू पी आर दे देगा ये, और ए को अवॉइड कर देगा, क्योंकि ए क्या है, 0 1 2 3 4 ए फोर्थ इंडेक्स है, तो उसको अवॉइड करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हर बार में कितने स्टेप में ये इंडेक्स बढ़े, तो उसके लिए थर्ड पैरामीटर भी है, थर्ड इंडेक्स स्टेप इंडेक्स भी पास कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नेम के साथ में 0 से लेकर 6 तक किया है, और हर बार में टू स्टेप क्या है, करेक्टर इंक्रीज करेगा, स्टेप करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, UPR और SPA आ गया आपके पास में। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन करते हैं, जो ऑपरेशन होता है वो चेंजिंग केस, जैसे लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज करना मेथड। तो ये फंक्शन यूज़ होते हैं पाइथन में, बने बनाए फंक्शन हैं जिनका यूज़ करके हम अपर केस में लोअर केस में या कैपिटलाइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नेम सुप्रभात लिखा हुआ है, तो इसमें कैपिटलाइज कर दिया, दूसरे वाले में लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड केस में फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन है आपका स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या है कि लीडिंग ब्लैंक स्पेस को जो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जितने भी हैं स्ट्राइप मेथड के थ्रू हम हटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुप्रभात जोशी से पहले, सुप्रभात से पहले भी बहुत सारे ब्लैंक स्पेस हैं और जोशी के बाद भी बहुत सारे ब्लैंक स्पेस हैं, तो ये उनको हटा देगा यहाँ पे से। नेक्स्ट फाइंड एंड रिप्लेसिंग। फाइंड एंड रिप्लेसिंग फंक्शन का यूज़ किया जाता है किसी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग को का फाइंड करने के लिए, और रिप्लेसिंग का यूज़ किया जाता है, रिप्लेस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। फाइंड फंक्शन से तो हम फाइंड करेंगे, रिप्लेस फंक्शन से किसी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करेंगे दूसरी सब स्ट्रिंग से। जैसे यहाँ पे प्रिंट में नेम के अंदर जूसी फाइंड किया, तो ये जहाँ पे इस ये सब स्ट्रिंग मिलेगी उसका फर्स्ट इंडेक्स इसको ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे। और रिप्लेस फंक्शन में हमने जूसी की जगह बंद कर दिया, तो यहाँ पे 10वीं इंडेक्स पे
जोशी फाइंड हो रहा है सुप्रभात जोशी के अंदर, तो ये 10 इंडेक्स नंबर हमको रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया जोशी को 15 से। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है प्रीफिक्स एंड सफिक्स फंक्शन। तो प्रीफिक्स और फंक्शन में स्टार्ट्स विद एंड एंड विद फंक्शन आते हैं, जो ये चेक करते हैं कि प्रीफिक्स किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग से है या नहीं है। जैसे स्टार्ट विद सुप्रभात से है या चाहे है या नहीं है, अगर होगा तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ऐसे ही जो सफिक्स है वो चेक करेगा एंड विथ फंक्शन के साथ में कि सफिक्स ये है या नहीं है, अगर है हुआ तो वो ट्रू वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो चलिए इन सब चीज़ को हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कर रन करके देखते हैं। एक नई विजुअल स्टूडियो फाइल बना, एक पाइथन फाइल बनाते हैं, नई फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल बनाई, स्ट्रिंग डेटा टाइप, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं नेम की, और इसको प्रिंट करते हैं टाइप फंक्शन से नेम, और इसके बाद प्रिंट करते हैं नेम को, उसको सेव करते हैं। इसके बाद इसको रन करके देखते हैं, रन करने पर हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो देखिए क्लास क्या है, str आ गई और ये स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई। अगर हम सिंगल क्वेट से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंगल क्वेट से भी हम क्लोज कर सकते हैं। और कंट्रोल लेस किया हमने और फिर से इसको रन करते हैं, तो सेम आउटपुट हम हमें ये प्रोड्यूस करेगा, सेम आउटपुट आ रहा है। इसके बाद देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। हम डबल ट्रिपल डबल कोट से स्टार्ट करेंगे हम, तो मैंने थ्री मल्टी स्टेप में लिखा है और इसको ट्रिपल डबल कोट से क्लोज किया। इसको फिर से सेव करते हैं कंट्रोल एस और रन करते हैं, तो यहाँ पे ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग दिखा रहा है। चाहे तो हम ट्रिपल सिंगल क्वेट से भी कर सकते हैं, और तो हमें क्लोज भी ट्रिपल सिंगल क्वेट से क्लोज करना पड़ेगा। कंट्रोल एस किया मैंने और फिर से मैं इसको रन करता हूँ, तो सेम आउटपुट आपका प्रोड्यूस होगा, ये देखिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो यहाँ से आपको टाइप ऑफ स्ट्रिंग भी समझ में आ गया। इसके बाद स्ट्रिंग ऑपरेशन देखते हैं हम। स्ट्रिंग ऑपरेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्केटेनेशन कैसे करेंगे, तो स्ट्रिंग को ऐड कैसे करेंगे। सपोज नेम वन इक्वल टू लिखा है हमने सुप्रभात, और नेम टू हमने ले लिया जूसी। तो प्रिंट अगर हम इनको कॉन्केटेनेट करना चाहते हैं तो नेम वन प्लस कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर नेम टू, कंट्रोल एस किया और रन करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल स्ट्रिंग आएगी वो कॉन्केटिनेट आएगी दोनों का। तो यहाँ से आउटपुट हमें मिल गया। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर, जिसको हम एस्ट्रिक ऑपरेटर कहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सपोज हमारे पास नेम लिखा हुआ है सुप्रभात, तो हमें कितने टाइम उसको रिपीट करना है ये चीज़ देखनी है। तो हमने लिख दिया नेम एस्ट्रिक ऑपरेटर दैट इज़ रिपीटेशन ऑपरेटर 4, और कंट्रोल एस किया, तो ये क्या करेगा 4 टाइम सुप्रभात को प्रिंट कर देगा। तो 4 टाइम यहाँ पे देख रहे हैं आप सुप्रभात को, तो स्ट्रिंग रिपीटेशन ऑपरेटर यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद केस, स्ट्रिंग के केस से रिलेटेड, तो सपोज हम क्या करते हैं, इसमें नेम डॉट अपर करते हैं,
ऊपर कर देते हैं इसको, तो कंट्रोल एस करते हैं, तो ये क्या करेगा, सारे के सारे करेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा अपर केस में सारा स्ट्रिंग आ गई। ऐसे ही हम लोअर केस में करना चाहें, एल ओ डब्ल्यू या लोअर, और फंक्शन कॉल किया और इसको सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं सारा का सारा ये क्या है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारा का देख रहे हैं आउटपुट, ये सारा का सारा स्ट्रिंग क्या है, आप लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही कैपिटलाइज मेथड है, वो क्या करेगा, फर्स्ट करेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ से आउटपुट जो आ रहा है हमारा, फर्स्ट करेक्टर क्या है, कैपिटल लेटर में आ गया। अब इसके बाद स्लाइसिंग, स्ट्रिंग ऑपरेशन स्लाइसिंग का देखते हैं। स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। अब इसमें हमने को क्या करना है, सब स्ट्रिंग निकालनी है। प्रिंट करते हैं नेम में से, वन से फोर तक, कंट्रोल एस किया और इसको रन करते हैं। स्टार्ट इंडेक्स हमने वन किया है और एंड इंडेक्स क्या है, फोर किया है, तो यू पी आर 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो 1 2 3 ये आ गया हमारे पास। और ए फोर्थ इंडेक्स क्या होगा, एक्सक्लूड हो गया, हट गया। अब हम चाहते हैं कि स्टेप भी लिखना चाहते हैं, तो सपोज हमें 0 से 6 तक लेना है और हर स्टेप में कितना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है। इसको फिर से सेव करते हैं और कंट्रोल एस करने के बाद रन करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, पहला एस आएगा, फिर पी, फिर ए, तो ये आउटपुट आपका आ गया। यहाँ से स्ट्रिंग स्लाइसिंग ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया। इसके बाद सफिक्स एंड हमारा नेक्स्ट जो था, हमें क्या चेक करना था, प्रीफिक्स और स्टार्ट स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सुप्रभात लिखा है और उसी लिखा और स्पेस दे दिया यहाँ पे। अब एक बार मैं बिना स्ट्रिप फंक्शन के यूज़ करके इसको प्रिंट करता हूँ और दूसरी बार मैं स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ करके इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखें दोनों में फ़र्क क्या आता है। तो स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, लीडिंग ब्लैंक स्पेस को हटाता है लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, कंट्रोल एस किया और रन किया, तो हमारा जो आउटपुट आएगा यहाँ पर, एक बार बिना स्ट्रिप फंक्शन के और एक बार देखिए जब बिना स्ट्रिप के, तो ये ब्लैंक स्पेस दिखा रहा है और सेकेंड बार में ब्लैंक स्पेस हट चुके हैं। तो ये स्ट्रिप फंक्शन का यूज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास में सफिक्स और प्रीफिक्स फंक्शन का यूज़ करना। तो हमें सपोज क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग हमारे पास लिखी हुई है, हमें चेक करना चाहते हैं इसका सफिक्स पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सफिक्स करना है, सपोज प्रीफिक्स चेक करना है, नेम डॉट स्टार्ट्स विद फंक्शन होता है, स्टार्ट्स विद, ये सुप्रभात से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं, तो ये प्रीफिक्स चेक करेगा कि सुप्रभात नाम से है या नहीं है, अगर होगा तो ट्रू वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स। अब यहाँ पे ये चेक कर रहा है क्योंकि एस कैपिटल है, तो यहाँ पे हम एस कैपिटल करते हैं, कंट्रोल एस किया और इसको रन करते हैं, तो अब वैल्यू ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब ऐसे ही एंड विथ फंक्शन जो कि सफिक्स चेक करेगा, एंड्स विद पीएचपी करके देखते हैं और कंट्रोल एस किया
और सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये भी क्या है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड्स दो बार लगा दिया एस, तो इसको सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं तो ये अब यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि इसका सफिक्स क्या है, पीएचपी है। तो यहाँ से आपको हमने पीएचपी के सारे स्ट्रिंग जो सॉरी पाइथन में जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको हमने सीखा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और हमारा जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है www.learning.maulikanalytics.com, तो इस प्लेटफॉर्म पर आइए और लेटेस्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।